दिल्ली में यमुना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े और उसके चलते कई इलाके जो जलमग्न हो गए, पानी में डूब गए, उन्हीं में से एक इलाका है आईटी और उसके आसपास का इलाका जहां पर जलभराव अभी भी है और उसी को रोकने का काम किया जा रहा है सेना के जवानों के द्वारा। सेना के इंजीनियरिंग जो कोर है उसके जवान यहां पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और ये काम क्या हो रहा है, ये यहां पर एक रेगुलेटर था जो कि नाला, यहां पर जो एक नाला है, नाले से जो पानी जाता था यमुना में, उस नाले से जो यमुना में पानी जाता था, जब यमुना का उफान पर आई तो वो जो है बैक उसने मारा, यानी कि जो पानी जो यमुना से वापस नाले में आने लगा। उसके चलते हुआ क्या, यहाँ पर एक दीवार थी, रेगुलेटर था, वो पूरी तरीके से टूट गया। अब जो पानी था यमुना का शहर में भरने लगा, आईटीओ के पास पहुँचने लगा, राजघाट, सुप्रीम कोर्ट, प्रगति मैदानी, वो तमाम इलाके थे जो डूबने लगे। सेना की मदद ली गई और अब सेना के जवानों ने, ये जो इंजीनियरिंग कोर के जवान हैं, इन्होंने किस तरीके से इंतज़ाम किया है कि यहाँ पर जो पानी देख सकते हैं अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन अब वो उधर नहीं जा रहा, यानी कि आईटीओ की तरफ जो नाला जाता है उसमें उतनी बड़ी मात्रा में नहीं जा रहा है। उसके चलते हालात अब धीरे धीरे करके सामान्य होने शुरू होंगे, लेकिन ये सेना की मदद ली गई थी सेना के जवानों को। और अभी भी देखिए काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी भी चल रहा है। प्रवीण, अगर हम इधर से दिखा सकें कि देखिए सेना के जवान अभी भी, इंजीनियरिंग कोर के जवान अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि काम पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। हालांकि कोशिश कर ली गई है, पानी का जो फ्लो है वो कम हुआ है, लिहाजा कोशिश की गई है कि अब कम से कम पानी ना जाए, लेकिन अभी भी काम लगातार चल रहा है। और ये सेना के जवान हैं जिनकी मदद ली गई है और इसी मदद के चलते अब आईटीओ और उसके आसपास में स्थितियां पिछले 24 या 48 घंटे की तुलना में बेहतर हुई हैं, लेकिन काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो सेना डटी रहेगी। और सेना के जवान उसी बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि जो इनको टास्क मिला है वो अभी पूरा नहीं हुआ, और वो पूरा तब होगा जब ये टेम्परेरी रेगुलेटर बन करके तैयार हो जाएगा। और इसकी वजह से जो पानी यमुना का वापस आ रहा था शहर की तरफ, उसको रोका जा सकेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, बीबी न्यूज़, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP News पर।